हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के लिए पैनासोनिक T30 की वीडियो लेकर आया। पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें प्रोटेक्शन लॉक आ रहा था, तो उसके लिए मैंने फ्लैश किया था, तो उसमें एक IMEI रिमूव हो गई थी। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप IMEI चढ़ा सकते हैं विदाउट पी सी। आप किस तरीके से पैनासोनिक T30 में फ्लैश कर सकते हो, IMEI को राइड कर सकते। तो पहले तो आपको करना क्या होगा, पहले तो आप इसके ढक्कन खोल के इसमें से जो IMEI राइट कर लिख लीजिएगा कहीं पर। मैंने तो लिख रखा है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपको एक कोड डायल करना होगा यहाँ पे *H**H*3646633#*#। ये खुल जाएगा इंजीनियरिंग मोड। आपको इंजीनियरिंग मोड खुलने के बाद आपको जाना होगा कनेक्टिविटी के अंदर, फिर CDN इन्फॉर्मेशन में जाना होगा, फिर रेडियो इन्फॉर्मेशन में, फिर फर्स्ट वाला क्लिक करके यहाँ पे क्लिक। ये कमांड सेंड करना होगा आपको। ये वाला इसमें क्या करना होगा आपको, सेंटर में कॉमा के सेंटर में आपको IMEI टाइप करनी होगी, IMEI लिखनी होगी। तो मैंने PC में लिख रखी थी IMEI, उसी IMEI को मैं राइट करूँगा। 3519 3519 810 ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्पेस करना होगा, नहीं तो आप कमांड सेंड दे। यहाँ पे कमांड सेंड हो चुकी है। तो आपको इसी तरीके से दूसरे में भी करना होगा। प्रोसेस में आपको की को प्रेस करके नीचे वाला टैब वाला सिलेक्ट करना होगा, फिर इसके अंदर IMEI फिर से दोबारा से फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से एक स्पेस देना होगा और उसका इसको कमांड को सेट कर देना। देखिए सेट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, आपको फोन को रिस्टार्ट कर देना। और जब फोन रिस्टार्ट होगा तो आप देख सकेंगे आपकी जो IMEI है वो राइट हो चुकी है। वेट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। ऑन हो चुका है। अब आपको देख सकते हैं आप दोस्तों, ये फोन ऑन हो गया है। अब आपको मैं दिखा दूँ, इसमें जो IMEI की वो राइट हो चुकी है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से जो IMEI है पूरी तरीके से राइट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियली।